हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम योगी ऑटोमोबाइल्स। आज हम आपके लिए लेकर हैं मोस्ट कम्पैक्ट एसयूवी क्रेटा। अगर क्रेटा के वेरिएंट की बात करें दोस्तों, तो क्रेटा का बेस वेरिएंट है। आज इस वीडियो में बात करेंगे इसके इंटीरियर एक्सटीरियर एड ऑन फीचर्स के बारे में, 2022 में क्या एड ऑन हुए इस गाड़ी में फीचर्स, अब इस विषय में बात करेंगे। एंड अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्रेटा का फ्रंट लुक की अगर बात करें दोस्तों, तो क्रेटा आपको कुछ सामने से कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। बेस वेरिएंट सामने आपको यहाँ पे हुंडई की बैचिंग आपको देखने मिल जाती है। फ्रंट में आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे राउंड शेप में आपको फ्रंट में देखने मिल जाएगी। एंड मिड में अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग तो नहीं कह सकते, मैटी ब्लैक फिनिशिंग आपको फ्रंट में आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। एंड डाउन में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे डाउन में थोड़ा सा स्किड प्लेट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। एंड थोड़ा साइड में अगर बात करें तो इसकी आपके हेडलैम्प की बात करें तो हाँ, सी शेप्ड आपको, सी शेप्ड का आपको यहाँ पे DRL देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब जो लाइट का काफ़ी अच्छा लुकी लग रही है। एंड आपको यहाँ पे जो आपको हेडलैम्प दिया गया दोस्तों, LED हेडलैम्प आपको यहाँ पे ऑफर करते हैं। थोड़ा सा अगर डाउन की बात करें तो आपको यहाँ पे फॉग लाइट, इसको नहीं कह सकते, बट साइड इंडिकेटर फ्रंट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एंड अगर दोस्तों इस गाड़ी की अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 198 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब साइड से देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक इनहेंस मिल रहा है, काफ़ी लंबी गाड़ी मिल रही है तो 1+4 ही 5-सीटर गाड़ी आपको है। एंड अगर ORVM की बात करें तो आपके यहाँ पे बेस वेरिएंट में भी आपको ORVM जो बॉडी कलर ऑफर करती है कंपनी। एंड साइड मिरर आपको ORVM में जो आपके साइड इंडिकेटर आपको ऑफर नहीं करती है, जो साइड इंडिकेटर आपको फेंडर में आपको देखने को मिल जाती है। एंड थोड़ी सी अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके से साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छा ग्लॉसी लग रही है। आपको ए पिलर ब्लैक टाइप फिनिशिंग के साथ मिलेगा, बी पिलर भी ब्लैक टाइप फिनिशिंग के साथ मिलेगा। एंड सी पिलर की अगर बात करें तो आपको सी पिलर यहाँ पे जो है सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ मिलेगा, जो कि सी पिलर से लेकर के काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो यहाँ तक आपको पूरा सी पिलर जो है ये आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल आपको ऑफर किए गए हैं। एंड थोड़ा सा अगर साइड में बात करें तो आपको साइड स्क्रीन प्लेट भी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर की गई है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे यहाँ पे लुक इन्हेंस कर रही है। साइड में ऐसे क्वार्टर ग्लास है, क्वार्टर ग्लास की वजह से आपको जो साइड ग्लास है, पीछे वाली ग्लास है, पीछे वाली डोर ग्लास है, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे लंबा देखने मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक। पैक में साथ भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक आपको देखने मिल जाती है। पहले से जो अपडेट हुआ है, मतलब उसके बाद जो क्रेटा आई है, उसका काफ़ी अच्छा अपडेट है, लुक ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपके फ्यूल टैंक के आपके टैंक है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर बात करो तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने मिल जाती है। एंड इसके टायर साइज़ की अगर बात करो दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 265 आपको R16 का टायर यहाँ पे ऑफर करते हैं। बेस वेरिएंट में आपको व्हील कैप भी ऑफर यहाँ पे करती है। एंड अगर बात करें इसके बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल काफ़ी अच्छे स्पोर्टी एंड बहुत ही बोल्ड लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बैक प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, बैक प्रोफाइल कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। बैक में आपको यहाँ पे हुंडई का ब्रांडिंग लोगो आपको देखने को मिल जाती है। एंड क्रेटा का एनवेलप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि सिंगल अल्फाबेट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की बात करें दोस्तों, तो हमेशा हर गाड़ी में यहाँ पे मिलता है, पर इस क्रेटा की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रेटा में यहाँ पे मिड में आपको देखने को मिल जाती है। एंड वन प्लस मोर थिंग दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है ना ब्लैक कलर की पियानो फिनिशिंग आपको यहाँ पे टेल लैंप पे अगर बात करें तो टेल लैंप पे ना आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की पियानो फिनिशिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे इनहेंस कर रही है। एंड आपको टेल लैंप कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे बैक लाइट है एंड यहाँ पे टेल लैंप पे यहाँ पे लाइटिंग आपको जो जलती है, मैं आपको जला के भी दिखाऊंगा, यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक लग रही है यहाँ पे देखने में। एंड यहाँ पे पार्किंग सेंसर की बात करें तो आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट में 2 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ ऑफर किए गए हैं, एक आपको यहाँ पे मिल जाती है, एक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एंड पार्किंग लाइट आपके यहाँ मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रियर में देखेंगे तो रियर स्किड प्लेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि बैक की फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड एंटीना की बात करें दोस्तों, तो आपके यहाँ पे टेन दिया गया है, यहाँ पे आपको सरफेस एंटीना बेस वेरिएंट में भी ऑफर नहीं किया गया है। तो ये बैक प्रोफाइल, चलिए कर लेते हैं बूट ओपन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके यहाँ पे बटन मिल जाता है बूट में, एंड यहाँ पे 2 लाइटें मिल जाती है जिससे नंबर प्लेट इजीली विजिबल हो जाए करके। एंड बूट स्पेस की बात करें दोस्तों, आपके यहाँ पे बहुत ह्यूज बूट स्पेस आपके यहाँ पे देखने मिल जाती है, 433 लीटर का आपके यहाँ बूट स्पेस देखने मिल जाती है। बेस वेरिएंट में आपके यहाँ पे जो 65 लीटर ऑफर नहीं किया जाता। एंड चलिए ओपन कर लेते हैं। एक यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे स्टेपनी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर दोस्तों इंटीरियर की बात करें तो आपको यहाँ पे टोटली केलेस एंट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी आपको यहाँ पे रिमोट की मिलती है। एंड अगर की में देखेंगे दोस्तों, तो आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए गाड़ी को ओपन कर लेते हैं। गाड़ी को ओपन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ड्राइवर साइड का जो डोर है आपको यहाँ पे वाइड एंगल में आपको 90 डिग्री वाइड एंगल में आपको यहाँ पे गाड़ी को ओपन होता है। एंड ड्राइवर साइड अगर डोर में बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 4 विंडो कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। ड्राइवर विंडो आप लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक, यहाँ पे डोर अनलॉक अनलॉक इजी, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ORVM की बात करें दोस्तों, तो आपको ORVM यहाँ पे मैनुअल ORVM दिया गया है, आपको इलेक्ट्रिकली
एडजस्टेबल आपको यहाँ पे वर्किंग से नहीं मिलते हैं, आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। एंड थोड़ी सी अगर बात करें ड्राइवर साइड में टोटली देखेंगे तो डबल कलर में आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड के जो भी आपका गेट है ट्रिम है डबल कलर में आपको यहाँ पे जो डिज़ाइन किया गया है जो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप साइड में देखें तो काफ़ी अच्छा लुक एंड काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड थोड़ा सा डाउन में आगे तो यहाँ पे वाटर होल्डर मिल जाता है आपको। देखो दोस्तों यहाँ पे जो स्पीकर्स के आपको यहाँ पे स्पेस तो दे दिया गया बट आपको इसमें बेस्ट वेरियंट में आपको ना म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं मिलता। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डीलर्स में आप डीलर से ही आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। इंटीरियर की बात करें टोटली आपको टोटली जो देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे ना एकदम स्पोर्टी आपको यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिल जाती है जो काफ़ी अच्छा कैबिन का जो देखेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम देखने को मिल जाता है। भले ही बेस्ट वेरियंट है बट आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सीट की बात करो तो आपको फैब्रिक सीट डुअल कलर में आपको देखने को मिल जाती है। सीट करेंगे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्पेंजन कंफर्टेबल सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड एडजस्टेबल की बात करो दोस्तों तो आपको बेस वेरियंट में भी आपको ड्राइवर साइड की जो यहाँ पे सीट है आपको एडजस्टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड थोड़ी सी अगर डाउन में बात करेंगे तो यहाँ पे फ्यूल लिड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड बोनट आप यहाँ से इजिली ओपन कर सकते हैं। एंड थोड़ी से यहाँ देखेंगे दोस्तों तो आपको हेडलैम्प लेवलर आपको यहाँ पे साइड में दिया गया है एंड एक एसी कंसोल दिया गया जो बहुत प्यारा ही दिख रहा है, मतलब आप देख रहे हैं देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे फिनिशिंग दी है ना सिल्वर कलर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है यहाँ पे यार, मतलब जैसे मैंने बताया ना बहुत ही अच्छा यहाँ पे बेस वेरियंट लग ही नहीं रहा है, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे लुक आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए अंदर बैठ लेते हैं पहले। सो फाइनली अब आ चुके हम क्रेटा बेस वेरिएंट के ई वेरिएंट के अंदर। अब अगर स्टेयरिंग की बात हो दोस्तों तो आपको बेस वेरिएंट में कुछ इस तरीके से स्टेयरिंग आपको देखने मिल जाएगी। स्टेयरिंग में सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे स्टेयरिंग गार्निश आपको देखने मिल जाती है, बहुत प्यारा सा हिंडई का लोगो आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है एंड एमआईडी कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी अगर साइड में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको वाइपर एंड वॉशर का कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। हेडलैम्प का कंट्रोलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प तो नहीं है यहाँ पे, मैनुअल हेडलैम्प ही आपको मैनुअली आपको जो भी करना है आप मैनुअली करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड दोस्तों अगर MID की बात करें दोस्तों तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब स्पोर्टी लुक आपको देखने को मिल जा रही है। एंड MID कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है साइड में, अगर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो टॉक इधर बताएगा एंड राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दे रखी है। एंड मिड में देखेंगे तो आपको मिड में यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है, फ्यूल इफिशेंसी बता रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे TPMS अभी तो गाड़ी खड़ी है इसलिए यहाँ पे TPMS नहीं बता रहा है एंड जब गाड़ी चल रही होगी तो आपके यहाँ पे टायर प्रेशर आपको ईजिली बताएगा। थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे लाइट्स डोर ATC आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ईजिली। ये आ गया एवरेज। थोड़ा साइड में देखेंगे दोस्तों तो फ्यूल आपको यहाँ पे बताएगा एंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ सिस्टम यहाँ पे आपको दी गई है। एंड थोड़े से रेड में देखेंगे तो आपको यहाँ ABS ब्रेकिंग सिस्टम आपको बता रहा है, बैटरी का बता रहा है एंड आपको यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर यहाँ पे भी दिया गया। तो ये तो था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड अगर थोड़ी सी अगर साइड में बताया जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको यहाँ पे बहुत ही प्यारा AC कंसोल एंड सिल्वर कलर की फिनिशिंग साथ आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों बेस वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब आपको अगर एड ऑन करवानी है तो आपको मतलब डीलर से ही एक्स्ट्रा एड ऑन करवानी पड़ेगी। एंड मिड में अगर देखेंगे तो भी आपको AC कंसोल बहुत ही अच्छा ग्लॉसी लग रहा है यार यहाँ पे, मतलब आप देख पा रहे होंगे सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ मतलब वॉ वाली फीलिंग आ रही है इंटीरियर में, मतलब लग ही नहीं रहा बेस वेरिएंट इंटीरियर में बैठने के बाद। एंड थोड़ा अगर डाउन में आएंगे तो आपको जो यहाँ पे AC कंसोल दिया है AC आपका यहाँ पे जो कंट्रोलर है आपको यहाँ पे मैनुअल AC आपको देखने को मिल जाती है, मतलब अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आपको ना खुद ना मैनेज करना पड़ेगा। बीच में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ आपको हज़ार लाइट का बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे जो मतलब ये आपको ना मैटी ब्लैक कलर की फिनिशिंग है यहाँ पे और उसमें आपको जो ये आपको देखने को मिल जाती है बहुत ही अच्छा, मतलब प्यारा लग रहा है यार। थोड़ा सा अगर नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे आपको मतलब कुछ स्पेस मिल जाती है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाती है, आप अपने फ़ोन ईजिली आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और अगर गियर बॉक्स की बात करें दोस्तों तो आपको आपको 6 मैनुअल स्पीड का आपको गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है। गियर बॉक्स सराउंडेड आपको आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है, बहुत ही अच्छा प्यारा लग रहा है, मतलब सच में मतलब इंटीरियर भले ही आपको मतलब गाड़ी आप इंटीरियर में बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप बेस वेरिएंट में बैठे हो आप। एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर आपको देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे हैंड रेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हैंड रेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं है, आपको फिक्स्ड हैंड रेस्ट मिलती है एंड थोड़े से आप देखेंगे आपको यहाँ कुछ स्टोरेज मिल जाती है, आप अपने यहाँ पे आप जो भी सामान है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ग्लोब बॉक्स है, ग्लोब बॉक्स भी नॉर्मल है आपको यहाँ पे ग्लोब बॉक्स में इल्यूमिनेशन लाइट भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, नॉर्मल ग्लोब बॉक्स आपको यहाँ पे दे दिया गया। एंड यहाँ पे आप ड्राइवर को ड्राइवर साइड के दरवाजे में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर ब्लैक कलर की, मतलब आप डोर इंटरनल डोर हैंडल की बात करें तो आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ मिलती है, इसमें किसी प्रकार का सिल्वर कलर की कोटिंग नहीं हुई है। एंड वैनिटी मिरर आपके यहाँ पे सनवाइजर्स की बात करें तो ड्राइवर साइड के सनवाइजर में आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर के साथ आपको ड्राइवर साइड के सनवाइजर मिलती है। एंड ड्राइवर साइड के सनवाइजर की बात करें तो आपको टिकट होल्डर के साथ आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड के सनवाइजर देखने को मिलती है।
एंड दोस्तों सेफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ पे डुअल एयरबैग का ऑप्शन आपको बेस वेरिएंट में भी देखने मिल जाती है। एक एयरबैग आपको हिंडई के प्यारे लोग हैं वहाँ लोगों हैं वहीं पे आपको देखने मिल जाती है। एंड आपको सेकंड एयरबैग आपको यहाँ को ड्राइवर साइड फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है। जो यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको एयरबैग भी लिखा हुआ है। ये फिनिशिंग की बात करूँ दोस्तों तो ये तो जैसे लग रहा है कि स्टिचिंग हुई है, बट यहाँ पे ये आपको जो देखने को मिल रही है आपकी फैब्रिक फिनिशिंग नहीं है, प्लास्टिक फिनिशिंग है। बट इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इट्स लुक लाइक अ फैब्रिक फिनिशिंग। सो आपको बता दूं ये फैब्रिक फिनिशिंग नहीं, प्लास्टिक फिनिशिंग है। एंड डैशबोर्ड अगर देखें दोस्तों, डैशबोर्ड में काफ़ी अच्छा ही लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है डैशबोर्ड की। एंड हेडरेस्ट की बात करूँ दोस्तों तो आपको यहाँ पे हेडरेस्ट जो है ना ड्राइवर को ड्राइवर साइड के दोनों आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, मतलब अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे को ड्राइवर साइड आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाती है, ड्राइवर साइड तो ग्रैब हैंडल होती नहीं तो कहाँ से देखें। चलिए तो ये तो था फ्रंट में, चलिए बैक सीट में जाते हैं अपन, देखते हैं वहाँ पे आपको कितना थाई सपोर्ट कितना मिलता है, लेग रूफ हेड रूफ सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए बैग्स की बात करूँ दोस्तों, आपको बैग जो बैक डोर भी आपको वाइड एंगल में आपको ओपन होता है 90 डिग्री में। आपको यहाँ पे विंडो कंट्रोलिंग मिल जाती है एंड यहाँ पे भी आपको एक बॉटल होल्डर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बॉटल होल्डर, यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके से हैंडल मिलते हैं, मतलब आपको यहाँ पे कुछ स्टोरेज भी है, मतलब आप यहाँ पे इजीली सामान पुट कर सकते हैं। एंड बैक स्पेस की बात करें दोस्तों, बैक स्पेस आपको ह्यूज बैक स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। चलिए इंटीरियर बैट में देखते हैं दोस्तों। अगर थाई सपोर्ट की बात करें तो थाई सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ पे देखेंगे पूरा, मतलब थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर लेग रूम की बात करें तो लेग रूम भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट, मतलब ये मैंने बहुत पीछे ही कर रखा है इसलिए आपको थोड़ा सा इतना स्पेस मिल रहा है। बट लेग रूम की अगर बात करूँ तो दोस्तों बहुत अच्छा लेग रूम है, मतलब इतना और इतना एक और है, मतलब डबल आपको, मतलब आपको लेग रूम आपको मिल जाती है। हेड रूम बोलें तो बहुत हेड रूम का आपको यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाती है। एंड रूफ लैंप की बात करें दोस्तों तो रूफ लैंप आपको यहाँ पे केवल सिंगल ही दिया गया है, आपको फ्रंट में नहीं मिलता है, फ्रंट में कुछ ऐसे खाली मिलता है आपको। एंड ग्रैब हैंडल की बात करें तो एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एंड ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल में एक और अच्छी चीज़ कर दी है, इन्होंने हुक देती है, मतलब आपके साथ कुछ सामान है तो आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं ईजिली। एंड रियर एसी वेंट की बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पे क्रेटा बेस वेरियंट में भी आपको रियर एसी वेंट मिल जाता है, बीस सिल्वर कलर की ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ भी आपको इसमें सिल्वर कलर की फिनिशिंग यार जो मतलब बेस वेरिएंट में दिया मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक इनहेंस कर रही है, मतलब बहुत ही अच्छा लग ही नहीं रहा कि बेस वेरिएंट है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज दे दिया, चार्जर तो सब यहाँ पे तो चार्जर पोर्ट तो दिया नहीं है, बट यहाँ पे स्टोरेज दिया, आप यहाँ पे फोन मतलब इजिली आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था इंटीरियर, चलिए अब जानते हैं इस गाड़ी के इंजन, मतलब क्या क्या इंजन में स्पेसिफिकेशन आपको देखने मिल जाती है, कितनी सीसी के इंजन कितना पावर कितना टॉर्क जनरेट करते हैं। चलिए इंजन अगर दोस्तों क्रेटा बेस वेरिएंट का अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 1.5 लीटर का कापे इंजन के साथ आपको एक गाड़ी ऑफर होती है। ये जो मैं गाड़ी जिस गाड़ी की वीडियो बना रहा हूँ आपके यहाँ पे पेट्रोल इंजन है, और इस गाड़ी की मैक्सिमम पावर की अगर बात करें दोस्तों 113 BHP आपको 6300 RPM में यहाँ पे जनरेट करती है। एंड टॉर्क की बात करें तो आपको यहाँ पे 144 Nm जो आपके यहाँ पे टॉर्क जनरेट करती है 4500 RPM में। एंड इंजन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपकी बैटरी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे फोर सिलेंडर गाड़ी है। अगर नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो इंजन प्रोटेक्टर नीचे भी आपको इंजन प्रोटेक्टर देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों अगर इस गाड़ी की अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो पूरी गाड़ी जो है ABS NABD ब्रेकिंग सिस्टम पे पूरे मतलब वर्क करती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।